स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्यों आए इस्तीफा देने की नौबत और क्या कहना इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये जानने की कोशिश की न्यूज 24 ने। 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है, इस नारे के साथ बीजेपी से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में अभी है, क्या नाराजगी है, किन वजहों को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया है जानते हैं। सर, क्या वजह रही जो आपने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफे का कारण इस्तीफा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। हर वाक्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। पार्टी हित में लगातार मेरे द्वारा जनाधार बढ़ाने का जो प्रयास है, उसकी हवा पार्टी के ही कुछ बड़े जिम्मेदार ओहदेदार नेता निकालने में लगे हुए हैं। हैरानी तब होती है जब एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का होता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निजी हो जाता है, तो राष्ट्रीय महासचिव के पद में भेद क्यों? लोकसभा के टिकट को लेकर के कहा जा रहा है कि आपकी बेटी को टिकट, उसके बाद शालिग्राम शिला की पूजा अर्चना, साथ ही पल्लवी पटेल भी विरोध में आ गई है, कह रही है वो पीडीए का संकल्प जो था वो पार्टी उस राह पे नहीं चल रही है। ये क्या सीक्वेंस है या पहले से ही आप में और पल्लवी जी में बात हुई थी? देखिए, ये तो इत्तेफाक है कि एक ही दिन मेरा इस्तीफा गया और उसी मौके पर उनका बयान आया। यद्यपि कल मैं चंदौली में था, कल तो हमारी किसी से मुलाकात लखनऊ में हुई ही नहीं। सुबह 9 बजे मैं निकल गया, रात 12 बजे आया हूं। रही बात जो काम भाजपा को करनी चाहिए वो काम भाजपा न करके सपा का विधायक कर रहा है, जो ऐतराज भाजपा के विधायकों को करना चाहिए था वो ऐतराज सपा का विधायक कर रहा है कि विधान परिषद में मौर्य जी ने गलत बोला और ये भी कहे क्या मौर्य जी विक्षिप्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चुप्पी कहीं ना कहीं बयान देने वालों को सह देती है। अगर आप से प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाते हैं और ये भेदभावपूर्ण अगर राष्ट्रीय महासचिव का पद है तो ऐसे पद पर मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सशक्त करता रहूंगा लेकिन पद पे नहीं रहूंगा। अभी क्या विधायक उसको निष्कासित किया जाएगा उसके साथ या आपके जो मंशा है जो अभी मैंने अपने पत्र में किसी को निकालने के लिए नहीं कहा है। एक चीज, मैं इतनी छोटी हैसियत का नेता भी नहीं हूं कि किसी छुड़वैये नेता को निकालने के लिए मैं कहूंगा। हाँ, इतना जरूर है सर, इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ आपके विधायक पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, उसका संज्ञान आपको लेना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चीज देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि कुछ पार्टी के नेता वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।